बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है चटनी की, और ये हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, प्याज हमें एक चाहिए होगी, लहसुन चाहिए होगा, और टमाटर लिए हैं मैंने टमाटर। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं चार टमाटर, तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम चले इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। मैंने चूल्हा ऑन किया है, और इस तरह का कोई भी स्टैंड ले लीजिएगा, और उसके ऊपर आपने सबसे पहले टमाटरों को जो है चार्ट करना है। इनको हमने थोड़ा सा काला करना है, जिससे स्किन जो है इनकी काली करनी है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है टमाटर के अंदर आ जाता है। तो ये चारों टमाटर जो है हमने पहले चारों तरफ से 4 से 5 मिनट लगेंगे, और जितना भी टाइम लगता है डिपेंड करता है आपकी आँच में। आपने इसको घुमा घुमा के चिमटा ले लीजिएगा, और उसको हमने काला करना है, ठीक है। और हमने इसके बाद लहसुन को भी इसी तरह से रख के चूल्हे के ऊपर ही काला करना है, ताकि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह घुमाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। आँच में थोड़ी सी जो है वो तेज़ कर देती हूँ, बहुत ही लो है। तो इसको हम घुमाते रहेंगे और इस तरह से सारा काला करेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ जब ये होना शुरू होता है। ओके, ये देखें थोड़े थोड़े काले होना शुरू हो गए हैं। इनको आप पलटते रहिएगा, स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाएगी। और आपने इनको घुमा घुमा के चारों तरफ से मेक श्योर कीजिएगा कि सारे टमाटर जो है वो चार अच्छे तरीके से हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर आप देखें, ये दो टमाटर मेरे जो है हो चुके हैं। अब मैं दो रह गए हैं, इनको भी कर रही हूँ। और साथ ही में लहसुन आपने लेना है ये वाला, मतलब एक अगर आपका छोटा सा फूल है तो आप वो ले लीजिएगा पूरा। ये मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा ही है, इसमें सिर्फ एक दो कम है। अगर आप थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप बेशक कम डाल लीजिएगा। लहसुन वैसे भी खाना बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। मैं इसको भी इसी पर रख कर इसके साथ ही चार्ट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसके छिलके उतार के टमाटर को भी और लहसुन को भी, उसके बाद हम टमाटर और लहसुन दोनों के छिलके उतार लेंगे। तो मैं इसको भी रख रही हूँ, और उसके बाद इसको भी जब ये हो जाएगा काला फिर उतार लूँगी। ओके, यहाँ पर आप देखें ये सारे मैंने कर लिए हैं। अब मैं इनका गर्म है अभी, थोड़ी देर के बाद आप इनको रख के इसका छिलका रिमूव कर लें, और उसके बाद लहसुन को भी छील लें और इन दोनों को अलग अलग कर लें। ओके, यहाँ पर आप देखें मैंने क्या करा है कि टमाटरों को अपना छील के जो है वो बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड पे बारीक कर लिया है। तो इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे चटनी के लिए, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी जो है सॉफ्ट हो चुके हैं चूल्हे पे करने से। तो इसको हम बाद में डालेंगे चॉपर में। तो सबसे पहले हमने चॉपर में क्या करना है, आपके पास एक छोटे साइज़ की मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और ये लहसुन जो हमने चार्ट किया था, और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीन चीज़ें ये हो गई, और यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया। तो तकरीबन ये देख लें 1 कप भर के जो है वो हरा धनिया का है। डंडियाँ इसमें से निकाल दीजिएगा और साफ़ कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के हमने मोटा मोटा पीसना है, बहुत बारीक फॉर्म में नहीं करना। तो टमाटर छोड़ देने, टमाटर आपने अभी नहीं डालने। इन चारों चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से बारीक कर लें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये मैंने सारी चीज़ें पीस ली हैं, और ये इस तरह के फॉर्म में आ गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें चंकी चंकी टाइप ही है, बहुत ज़रा बारीक नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे टमाटर थे हमने जो चॉप करके रखे, वो हम डालेंगे, और हमने इसको साथ इसके मिक्स करके पीस लेना है। ओके, यहाँ पर आप देखें ये पिस चुका है, सारा पेस्ट बन चुका है इन सब चीज़ों का। अब हम इसके अंदर जो है एक प्याले में निकाल लें, और जिसमें आपने इसको सर्व करना है। फिलहाल मैंने इसको इसमें डाला है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, अगर आपके पास काला नमक हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ऑलिव ऑयल, इससे ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑलिव ऑयल शामिल कर लेते हैं। तो अगर आपके पास काला नमक है तो आप प्लीज़ वही ऐड कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी हेल्दी सी चटनी रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी होती है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपके पास देसी टमाटर हैं जिनका कलर ज़्यादा लाल होता है, वो आप यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास जो है वो देसी टमाटर नहीं होते हैं, तो हम लोग वही जिस तरह बाज़ारों में मिलते हैं थोड़े हल्के कलर के, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा वाले लाल टमाटर हैं तो वो उससे इसका कलर और ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्ट भी। तो ये है मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इंशाल्लाह और भी बहुत सारी जो है वो चटनियाँ और डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो है आपको देने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।